दोस्तों मेरा जो कोच है वो 3 नंबर का कोच है और ये 4 नंबर, इसके आगे 3 नंबर है। आरामदायक प्रथम श्रेणी की कुर्सियां। तो जब अब अगला जो नेविगेशन है वो स्टेशन पर उतर के मैंने जो लोकल सबवे ट्रेन है उसमें 5 नंबर। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 2 मई और चीन में 1 से 5 मई तक लेबर डे हॉलीडे होता है, छुट्टियां होती हैं यहाँ पे। और लोकल ट्रांसपोर्टेशन बसेस और ट्रेन्स, इनमें काफ़ी भीड़ भी देखी जाती है। और आज मैं जा रहा हूँ हॉन्जो। हॉन्जो में मेरा एक मीटिंग है और जो लोकेशन है हॉन्जो का वो यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर है। और तो आज का जो व्लॉग है मैं आपको इसमें ये दिखाने वाला हूँ कि चीन में, जैसे हम चीन के बाहर गूगल मैप यूज़ करके कहीं पे भी पहुँचते हैं शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें कि गूगल मैप पे अगर आप कुछ भी एड्रेस डालते हैं तो वो आपको सारा कुछ गाइड करता है कि जैसे आप जहाँ पे हैं वहाँ से आपका जो लोकेशन, वहाँ जाने के लिए पहले आप थोड़ा 100-150 मीटर वॉक कीजिए, देन सबवे मेट्रो ट्रेन लीजिए, देन जो हाई डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वो लें, देन उतर के फिर ऊबर, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही चीन में बायदू मैप भी काम करता है। बायदू मैप देखने में कुछ ऐसा होता है, ये है, अभी खुल रहा है इसमें, हाँ खुल गया। तो इधर मैं अभी एड्रेस टाइप करूँगा, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें शो करेगा। तो इसमें मैंने लोकल, मैंने बस या मेट्रो ले सकता हूँ और उसके बाद फिर ट्रेन है। ट्रेन का जो टिकट है वो मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है, क्योंकि अभी चल रहा है लेबर डे हॉलीडे और इस दौरान पे रश बहुत होता है, भीड़ बहुत होती है और ट्रेन और बसेस में टिकट्स भी उतनी नहीं मिलती हैं। तो ये मैंने एक दिन पहले ही बुक करा लिया था। हालाँकि अगर रेगुलर डे हो तो आपको एट अ टाइम भी आप स्टेशन से बुक करा सकते हैं। और दोस्तों इस आज का जो मेरा ट्रैवलिंग है, तो इस दौरान मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, मैं कैसे कैसे क्या लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेता हूँ, फिर हाई स्पीड ट्रेन और लोकल कैसे नेविगेट करता हूँ। और अपने इस ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान में और भी बहुत सारे कुछ मुद्दों पे मैं सोचता हूँ, कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे कि गपशप की जा सके, तो उन मुद्दों पे कुछ गपशप भी आज करते हैं। तो चलिए मैं तैयार हो लेता हूँ और निकलते हैं। 2 घंटे में मेरी ट्रेन है निम्बो स्टेशन से, तो बने रहिए। तो दोस्तों बाहर का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं अभी जा रहा हूँ सबवे स्टेशन और मेरी ट्रेन है 12:08 की और अभी हो रहे हैं 10:45। तो सबसे पहले मैं लूँगा सबवे मेट्रो ट्रेन। और तो सबवे मेट्रो ट्रेन स्टेशन है चिंता साउथ रोड और यहाँ से निम्बो रेलवे स्टेशन की दूरी होगी 1/2 घंटा, 30 से 35 मिनट। और फिर चेक इन करने में स्टेशन पे अराउंड 10 से 15 मिनट लगेगा एंड देन बोर्डिंग। और ये है कुछ बाहर के नज़ारे,
और वहाँ 100 मीटर की दूरी पे आगे मेट्रो स्टेशन है, तो बने रहिए दोस्तों। और ये आ गया मेरा मेट्रो स्टेशन, चिंता साउथ रोड स्टेशन। यहाँ से हम डायरेक्ट मेट्रो लेंगे लाइन नंबर 4 निम्बू रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ से हमने लाइन नंबर 4 तो निम्बू रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी आपके साथ में, मे बी 20 मिनट्स। टिल देन साइन आउट। तो दोस्तों ये है निम्बू रेलवे स्टेशन का मेट्रो एग्जिट। तो दोस्तों यहाँ से हम लेंगे प्लेटफॉर्म की तरफ जो डिपार्चर एरिया है, जो एग्जिट है, और ये मेट्रो के साथ में कनेक्टेड है। आज थोड़ा रश बिकॉज अभी छुट्टियाँ चल रही हैं यहाँ पे, 1 मई से 5 मई लेबर डे हॉलीडे इन चाइना। तो अभी हम बहुत क्लोज हैं एग्जिट के, और एग्जिट लेते ही सामने हमारे ट्रेन स्टेशन आ जाएगा। तो मेरे राइट साइड में आप देखें ट्रेन स्टेशन है। तो दोस्तों यहाँ मेट्रो ट्रेन और मेट्रो से लगा हुआ ये सामने रेलवे स्टेशन। ये नीचे की तरफ अराइवल एरिया है और हमने जाना है डिपार्चर के लिए, तो डिपार्चर होगा ऊपर की तरफ। तो आपको अराइवल एरिया थोड़ा दिखा दें कैसा दिखता है। सो ये है अराइवल एरिया और हम जाएंगे ऊपर वाले लेवल पे जहाँ पे डिपार्चर है। तो बने रहिए दोस्तों, मैं एक बार ही चेक इन करके फिर दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। ये ऊपर वाले लेवल का नज़ारा। ये आगे बेस लेवल पे, और अब बेस लेवल से एक और लेवल ऊपर जाना है, और जो मेरा ट्रेन है वो ये देखें 12:08 और अभी हो रहे हैं 11:30। मौसम वाकई में बहुत सुहाना, तो दोस्तों बने रहिए।
सो गाइस यहाँ से एक लेवल और ऊपर जाएंगे और वहाँ पे डिपार्चर होगा। तो चलिए एक लेवल और ऊपर चलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी जानकारी भी मिल रही होगी। अगर आप चाहें चीन आने वाले हैं तो लोकल नेविगेशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरा वीडियो है ये आपके काफ़ी काम आएगा, तो बने रहिए। और ये आ गए हम, ये हमारा ऊपर वाला लेवल है जहाँ से ट्रेन डिपार्ट होगी। ये देखें, ये कन्या भी डिपार्ट करने के जा रही है। तो यहाँ से राइट साइड में 50 मीटर पर डिपार्चर। ये एक लेवल और ऊपर आ गए। ये देखिए क्या जबरदस्त नज़ारा, खूबसूरत मौसम। और यहीं से हम करेंगे डिपार्ट। तो सिक्योरिटी चेक के बाद वापस से आपसे मिलता हूँ, तो बने रहिए, कहीं मजा आएगा। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी मैंने यहाँ से कर लिया और जो मेरा बोर्डिंग है वो है 9 और 8A। तो अब हम चलेंगे अपने बोर्डिंग की तरफ। ये देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है 2, 3, 5 और आगे 7 है 8, 9। तो ये स्टेशन के अंदर का नज़ारा और ये डिफरेंट गेट्स हैं जहाँ से ट्रेन के लिए बोर्डिंग करते हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अब देखें 8 और 9 नंबर का गेट आ चुका है। 8A, 8B, 9A, 9B। और जो मेरी ट्रेन है उसके लिए अभी आधा घंटा बाकी है, तो हम थोड़ी देर बैठ के विश्राम करते हैं और फिर आपके साथ में गपशप करते हैं। तो बने रहिए, कहीं मत जाइए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है ये सारा बोर्डिंग गेट। मैं अभी आया था यहाँ पे कुछ जूस लेने के लिए और ये ऊपर में ये सारे रेस्टोरेंट्स के सी और योंगहे किंग है, आगे मैकडोनल्ड्स भी है। तो दोस्तों ये है कुछ अमन वेटिंग एरिया जहाँ पे मैं बैठा हुआ और कुछ नेविगेशन का कुछ रिव्यू दे देता हूँ आपको। थोड़ी सी भीड़ है आज बिकॉज छुट्टी हुए से। और तो ये है मेरा लोकेशन। ओके, तो ये ट्रेन है जिस समय जा रहा हूँ और ये हो गया नेम्बो और ये हो गया हांजो नाम। यहाँ स्टेशन से उतरने के बाद मैंने फिर लेना है लाइन नंबर 5 एंड देन लाइन नंबर 6 विच इज़ मेट्रो लाइन। पहले लेंगे लाइन नंबर 5 और वहाँ से 8 स्टेशन है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से 85 मीटर वॉकिंग, फिर लाइन नंबर 6 और वहाँ से एक स्टेशन के बाद यहाँ और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर वॉकिंग और ये लोकेशन।
तो बहरहाल दोस्तों स्टेशन में बैठे हैं अभी थोड़ी देर में, बस 15 मिनट में मेरी ट्रेन निकलेगी, फिर हम जो पहुँच के फिर आगे का जो नेविगेशन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों स्टेशन अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये कॉमन वेटिंग एरिया, यहाँ का एक यहाँ की बहुत ख़ास बात आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं जहाँ बैठा हूँ ये जो यहाँ पे ये फ्री में चार्जिंग ऑप्शन है, आप इसको स्कैन करके अपना मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम रेडी हैं बोर्डिंग के लिए, और ये अब बोर्डिंग हो, बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। ये दाईं तरफ हमारी ट्रेन लगी हुई है 7402, और जो मेरा कोच है वो 3 नंबर का कोच है। तो चलिए ढूंढते हैं। नंबर इसके आगे 3 नंबर है, तो ये रहा 3 नंबर, और 3 नंबर में 14F। तो गाइस अब हम आ गए 3 नंबर के कोच में, और ये है फर्स्ट क्लास और 14F। ओके, सो ये रहा कोने में 14F। और दोस्तों ये है फर्स्ट क्लास, श्रेणी की कुर्सियां। तो दोस्तों अब अगला जो नेविगेशन होगा वो होगा, एक मिनट मैं अपना GoPro इसको यहाँ पे सेट करूँ। अगला जो नेविगेशन है वो स्टेशन पर उतर के मैंने जो लोकल सर्वे ट्रेन है उसमें 5 नंबर पहले लेंगे, लाइन नंबर 5, उसके फिर लाइन नंबर 6। तो दोस्तों बने रहिए, पौंजो पहुँच के फिर कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए साइन आउट। Yes।
दोस्तों ये हम पहुंच गए हांजो। तो दोस्तों ये है अराइवल एरिया और अब हमने यहाँ से लेना है मेट्रो। तो चलिए मेट्रो के पास चलते हैं। जाके 4 नंबर मेट्रो। तो दोस्तों यहाँ से मेट्रो लेंगे, वो कुछ ना हो जाए चीज़। पहले अपन लेंगे लाइन नंबर 4, फिर लाइन नंबर 5। तो चलिए मैं पहले मेट्रो पहुंच के मैं लाइन नंबर 4 पे बोर्ड करता हूं और फिर कंटिन्यू करता हूं। बने रहिए वीडियो पे, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब मैं जाऊंगा लाइन नंबर 4 में। तो गाइस ये सामने लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 4 से मैंने अराउंड 15 स्टेशन है वहाँ से फिर चेंज करना है लाइन नंबर 5। चाओ चान नंबर लाइन इस रेलवे स्टेशन और इससे मेरे को जाना है नाशिक चाओ, वहाँ से 5 नंबर लाइन लेना है और ये है आगे का नेविगेशन। मैं यहाँ आऊँगा नाशिक चाओ, फिर वहाँ से चेंज करके 5 नंबर में और फिर चांगलिंग लो। दोस्तों एक बारी मैं चांगलिंग लो मतलब चांगलिंग रोड वहाँ पहुँच रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने 600 मीटर वॉकिंग या फिर चाहो तो बस भी ले सकता हूँ। तो चलिए अब एक बारी वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद आगे का जो नेविगेशन है वहाँ से फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए और आशा करता हूँ आपको ये जर्नी और जो नेविगेशन मैं बाय द मैप से कर रहा हूँ
कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में एंड देन साइन आउट। तो दोस्तों बायडू मैप के नेविगेशन के मदद से ऑलमोस्ट जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है उसके बिल्कुल पास में आ गया हूँ। और अब ये 600 मीटर है तो इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैं वॉक करता हूँ 600 मीटर और बिल्कुल अपने फाइनल डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब। और तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बहरहाल ये बाहर के कुछ नज़ारे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड साइनिंग आउट, सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। साइन आउट।